Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. I'm also doing good. So सुबह के बजे 7:30 मैं वॉक से आ गई हूँ. आज की ताज़ा खबर ये है कि आज यहाँ पे बारिश हुई थी आज नहीं रात को, और मुझे पता भी नहीं चला बिकॉज मैं तो AC ऑन के था पूरी रात. जब मैं सुबह उठा जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरी गाड़ी मिट्टी मिट्टी हो रही थी. लाइक अभी वेदर अच्छा है बहुत ज़्यादा, एंड रात को बारिश हुई है बट ज्यादा नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी हुई है. ये मेरे वस्त्र नीचे गिरे हैं, रात को धोए थे, शायद और धोने पड़ेंगे बिकॉज ये गंदे हो रखे हैं. मैंने गाड़ी धो तो ली, ऊपर से नहीं अच्छे से धोई, नीचे से धोई है सिर्फ. आज मैंने भिंडी दूसरे टाइप की बनाई है. मैंने सबसे पहले तेल डाला, उसके बाद जो है जीरा डाला, एंड उसके बाद सीधा भिंडी डाल दी डायरेक्ट. एंड यहाँ पे मैंने कट करा है प्याज और हरी मिर्च. अब मैं इसके बाद सबसे बाद में ये ऐड करूँगी. ये वाली भिंडी ना बहुत क्रिस्पी बनती है. इससे पहले मैंने जैसे सारे बनाते भिंडी वैसे वाले बनाए थे, टमाटर प्याज एंड सब कुछ डाल के भिंडी बाद में ऐड करनी है. बट इस बार मैंने ये बनाई, ये वाली मुझे ज़्यादा यम्मी लगती है. ये बहुत क्रंची टाइप बनती है तो यम्मी बनती है बहुत ज़्यादा. अब मैं इसको पकने दूँगी. मैं रेडी हो गई एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया. ब्रेकफास्ट नहीं खाया मैंने, दूध एंड फ्रूट बर्न मुझे बहुत पसंद है. सो मैं चल जाती हूँ ऑफिस बिकॉज लेट हो रही हूँ मैं. आज मुझे लॉन्ग रूट से जाना पड़ेगा, किसानों का प्रोटेस्ट है तो वहाँ से जाना तो पॉसिबल नहीं होगा. सो आपको मिलती हूँ शाम को. गुड इवनिंग एवरी वन. सो मैं पहुँच गई घर, और आज मैं घर बहुत जल्दी पहुँच गई हूँ. जिस सड़क से मैं दिल्ली आती थी ना वो बंद थी, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक आज वो खुल गई है. बट फिर भी आज वहाँ पे ट्रैफिक, तो मैंने आज कल एक नया रास्ता ढूंढ लिया है. सो मैं आज जल्दी पहुँच गई हूँ. एंड दूध लेना था, दूध आज आया नहीं, जहाँ से मैं लेती हूँ. फिर अब थोड़ी देर में देखती हूँ क्या करती हूँ. अब मैं थोड़ी देर बाहर जाती हूँ, वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है. अच्छा अच्छा वेदर है बाहर. सिखानी है शिवाय, नीचे आऊं? आओ नीचे. हाँ सिखाओगे? हेलो तो करो, हाय करो. चल गए आगे. आंटी नीचे पानी दे रही है. ये मैंगो ट्रीज. हेलो मैंगो. हेलो छोटू मैंगो. आंटी कितने सारे मैंगो लगे देखो. मैंने चेंज कर लिया है बट मैंने हाथ मुंह कुछ भी नहीं धोया. मैंने सोचा अभी थोड़ी सी ठंडी हवा का आनंद ले लेती हूँ, देन उसके बाद अंदर का काम तो रहता ही है, फिर खाना एंड ऑल ये तो चलता ही रहेगा. सो अभी मैं हवा चल रही है मस्त, ऊपर टेरिस पे चले जाती हूँ मैं, सो दैट थोड़ी हवा का आनंद ले सकूँ. ऐसे लगता देखो कि बिल्कुल पास में, इतना शोर आता ना एयरप्लेन का. सीरियसली जो पार्क है ना, पार्क वो बिल्कुल, ये जो घर है ना बिल्कुल, जो वो ट्री दिख रहा ना यहाँ पे पार्क है. यहाँ पे जाती हूँ मैं. ये है मेरा मैंगो ट्री. हाय खूब हवा चल रही है. टाइम हो गया 8:40 एंड पहले मैंने सोचा मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं पहले कपड़े वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद डिनर करूंगी. एंड मैंने कपड़े वॉश करके मैं नहा भी ली हूँ. एंड सुबह मैंने बनाई थी भिंडी, अभी मैंने सिर्फ एक चपाती बनाई. अब मैं डिनर करूंगी. सो उसके बाद जो थोड़े से काम रहते हैं फिर मैं वो फिनिश करूंगी. और मुझे पिंपल हो गया. एक होता ना कि पिंपल हो जाता है नेचुरली हो जाता है, बट मेरा ऐसा नहीं है. मुझे कभी भी पिंपल नेचुरली नहीं होते हैं. मुझे होता है थोड़ा सा कुछ हो, मैं अपने नाखून से वो क्रिएट कर लेती हूँ. बस अभी मुझे दर्द हो रहा है इसमें. सो मैं खाना खा लेती हूँ. अभी ना मुझे कॉन्टिन्यूसली आई थिंक 5 से 6 छींके आ गई है, पता नहीं डस्ट के कारण, डस्ट घुस गई शायद.
मेरी आंखों से पानी आ रहा है, मेरे को ना और आज दूध ही नहीं मिला है, और बिना दूध पिए सोना इज लाइक कि खाना ही नहीं खाया। आज मैंने दो शॉप में पूछा था, वो भी कह रहे थे कि दूध की सप्लाई आई नहीं है। फिर मैंने बाद में जो पड़ोस में है, क्या नाम है उसका, भूल गई मैं नाम, उसको भेजा, वो कहता दीन नहीं आया, वो कह रहा है कि था बट वो फिनिश हो गया, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। मैं अभी तक कर रही थी मेहनत वाला काम, मैंने ज़िंदगी में पहली बार करेला खरीदा परसों, और इसका मैंने बाहर से छिलके निकाले और इसके अंदर से जो बीज होते वो मैंने निकाल दिए। मुझे पता नहीं था इसका जो लाइक इसके अंदर इतना स्पेस होता है। अब मैं कल इसको बनाऊंगी, तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, पर कल आपको बताऊंगी कि कैसे बनाऊंगी, कैसे बनते। अब मैं कट करने लगी सुबह के लिए वाटरमेलन, और वाटरमेलन कैसा है ये कलर से पता लग जाता है, मुझे पता है बहुत मीठा है। अब मैं कट करने लगी सुबह के लिए वाटरमेलन, और वाटरमेलन कैसा है ये कलर से पता लग जाता है, मुझे पता है बहुत मीठा है। योगी सुबह के लिए फ्रूट पैक, वाटरमेलन और चेरी एंड ग्रेप्स, सुबह की टेंशन खत्म। 10 बजने के लिए रह गए 10 मिनट, मैं हो गई हूँ फ्री। आज मैंने सोचा कि मैं आज जल्दी फ्री हो जाऊंगी, बिकॉज आज मैं 6:30 के लिए घर आ गई थी, बट मैं फिर ऊपर टेरेस पे घूमती रही, फिर मैंने रील्स बनाया, फिर उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाए, देन कपड़े वॉश करे, और देन फिर मैं फ्रूट्स वगैरह कट करने लग गई सुबह के लिए। और करेला का जो बीज होता है ना, उसको निकालते ना मेरा नाखून इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि वो हार्ड होता निकालने के लिए। आज दूध तो नहीं मिला, तो दूध तो नहीं पी पाऊंगी मैं। मैंने एप्पल कट करके रखे हैं, वैसे मैंने हाफ मतलब एक चपाती खाई मैंने, सो मुझे भूख टाइप्स लग रही है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।